तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोटे पर्दे का सबसे पॉपुलर शो बना हुआ है और यही वजह है कि ये शो पिछले 13 सालों से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुआ है। इस शो की TRP हमेशा टॉप 10 में ही रहती ही है और इसके कलाकार लोगों के जुबान पे। लेकिन क्या आप जानते हैं इस शो के कलाकार इतनी मेहनत करते हैं लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, तो इस हिसाब से ये कलाकार मोटी तगड़ी रकम तो लेते ही होंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो में तारक मेहता के उन कलाकारों की बात करेंगे जो एक एपिसोड के लिए लाखों चार्ज करते हैं। जी हाँ, और इस कैटेगरी में पहला नाम आता है दिलीप जोशी का, जो कि जेठालाल का किरदार निभाते हैं। खबरों के मुताबिक ये प्रति एपिसोड 2 से 3 लाख रुपए लेते हैं। इसमें अगला नाम आता है मुनमुन दत्ता का, जो कि शो में अय्यर की पत्नी यानी बबीता जी का किरदार निभा रही हैं। वेल, मुनमुन की फीस प्रति एपिसोड 30 से 35 हजार रुपए है। वेल, इस लिस्ट में अगले स्थान पर नाम आता है दिशा वकानी का, जो कि शो में दयाबेन का किरदार निभा रही हैं। वो प्रति एपिसोड 1.5 लाख रुपए चार्ज करती थी, हालांकि वो 5 सालों से शो में नजर नहीं आई हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला नाम आता है शो में तारक मेहता का किरदार निभाने वाले शैलेश लोढ़ा की फीस की बात करें तो शैलेश प्रति एपिसोड 1 से 2 लाख रुपए लेते हैं। वहीं जेठालाल के बापूजी का किरदार निभाने वाले उर्फ अमित भट्ट प्रति एपिसोड 70 से 80 हजार रुपए चार्ज करते हैं। वहीं आत्माराम तुकाराम भिड़े का रोल करने वाले मंदार चंदवाकर एक दिन की शूटिंग का 80 से 90 हजार रुपए लेते हैं। दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? क्या आपको पहले भी मालूम थी ये बात, या फिर हमारी इस वीडियो के जरिए आपने जाना? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे की चटपटी मसालेदार खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।